हेलो गाइस, वेलकम टू एडिटिंग का फंडा। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किसी भी ऑडियो को फेड आउट कैसे करें। जो म्यूज़िक बजता है ना वीडियो में, उसको लास्ट में धीरे धीरे स्लो कैसे करें, तो वीडियो को एंड तक देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको प्रीमियर प्रो ओपन कर लेना है, उसमें कोई भी ऑडियो या वीडियो इंपोर्ट कर लेनी है। जैसे मैंने डेस्कटॉप एक ऑडियो डाली हुई है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे इंपोर्ट हो जाएगी, उसको आपको टाइमलाइन पैनल पर ड्रैग कर लेना है, तो सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा आपका। तो ये ऑडियो आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ ये लास्ट में फेड आउट हो जाए, बिल्कुल स्लो हो जाए। वैसे हो रखी है, अभी से देखो ये पहले से हो रखी है। तो हम क्या इसको बीच से कहीं काट देते हैं, जो मैंने तरीका बताया था स्प्लिट करने का, से पहले वाली वीडियो में वो आई बटन पर देख सकते हैं, एंड इसको हटा देंगे। अब ये क्या है, एकदम से भट से बंद हो जाएगी। तो हम चाहते हैं स्लोली स्लोली स्लो डाउन हो गए बंद। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इफेक्ट्स में जाना है, देन यहाँ पर ऑडियो ट्रांजिशन पर जाना है, क्रॉस फेड पर जाना है, देन यहाँ पर आपको तीन चीज़ें दिखेंगी, कॉन्स्टेंट गेन, कॉन्स्टेंट पावर एंड एक्सपोनेंशियल फेड। इन तीनों में कुछ फ़र्क नहीं होता, इनका बस ग्राफ जो होते हैं ना इनके ऑडियो के, उसमें फ़र्क होता है। कॉन्स्टेंट पावर जो हमें डिफ़ॉल्ट में दे रखा है, डिफ़ॉल्ट मेरे को कैसे पता लगा, क्योंकि इस पे यहाँ पर ब्लू कलर का आइकन बना हुआ है, तो मतलब ये हमारी अभी ऑडियो की डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन लगी हुई है, ठीक है ना। ये हमारे डिफ़ॉल्ट में लगा हुआ है, ये जब भी आप शॉर्टकट की प्रेस करके ट्रांजिशन लगाओगे तो ये कॉन्स्टेंट पावर लग जाएगी। कॉन्स्टेंट पावर का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है ना। और जो एक्सपोनेंशियल और कॉन्स्टेंट गेन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे करके नीचे की तरफ जाता है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो हम कॉन्स्टेंट पावर के डिफॉल्ट में रहने देते हैं, फिर आप इसको ड्रैग करो एंड इसके एंड पर लगा दो। ऑल्ट और माउस को स्क्रॉल करोगे तो हमारी टाइमलाइन में जूम इन होने लग जाएगा। अब आप, मैं आपको चला कर दिखाता हूँ कैसे ये वर्क कर रही है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से फेड आउट हो रही है ऑडियो। आप इसको स्ट्रेच करना चाहते हैं तो जहाँ तक भी आपकी मर्जी चाहे स्ट्रेच कर सकते हैं। पर्टिकुलर टाइम देना चाहते हैं कि कितना लंबा स्ट्रेच होना चाहिए, तो इस पर डबल क्लिक करके आप पर्टिकुलर टाइम भी दे सकते हैं। जैसे इसमें 1 सेकंड 25 फ्रेम का टाइम दे रखा है, आप इसको 10 सेकंड कर सकते हैं। ओके, तो ये 10 सेकंड तक फेड आउट ट्रांजिशन लग जाएगी अपने वीडियो पर। आप पर्टिकुलर स्ट्रेच कर लें वही सही रहेगा। इसी तरह से हम स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं ये कॉन्स्टेंट पावर, यहाँ ड्रैग करके यहाँ पर लगा दीजिए। छोटी सी लग रही है तो आप इसको, अब देखो अब ये अभी जूम आउट हो रखा है ना, तो अभी हम इसको स्ट्रेच नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए आपको ऑल्ट और स्क्रॉल करके जूम इन करना पड़ेगा, देन स्ट्रेच कर सकते हो। तो इस तरीके से हम स्ट्रेच कर सकते हैं। और आप इससे भी और फटाफट करना है, ये बहुत लंबा तरीका हो गया ड्रैग करके ड्रॉप करने वाला। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके एंड पर, शिफ्ट और डी दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन लग जाएगी ऑडियो वाली, कॉन्स्टेंट पावर जो कि हमने डिफ़ॉल्ट पे सेट कर रखी थी। इसी तरह से स्टार्टिंग पे करेंगे ये, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट में लग गई। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑडियो को फेड आउट कर सकते हैं। हम अगली वीडियो में जानेंगे कि किसी भी वीडियो में जूम इन एंड जूम आउट कैसे करें। तो हमारे चैनल पर बने रहना ये वीडियो देखने के लिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों को जो एडिटिंग सीखना चाहते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन या फिर सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को पढ़कर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो अगली बार मिलते हैं, बाय बाय।